एक्चुअली मैं एक एग्रीकल्चर फार्मिंग से ही बिलोंग करता हूँ, एग्रीकल्चर फैमिली से ही। तो मेरे डैड वगैरह बनानास, फ्रूट्स वगैरह, वाटरमेलन्स, कॉटन्स वगैरह का फार्मिंग करते ही है। सो मेरे को कुछ यूनिक करना था और ऐसा कुछ प्रोडक्ट चाहिए था जिसका डिमांड हाई हो, लाइक डिमांड एंड सप्लाई में प्रॉपर हो वो। इसलिए मैंने हाइड्रोफॉर्मिक एरोफॉर्मिक तरीके से सैफ्रॉन को चूज़ किया, क्योंकि सैफ्रॉन का डिमांड बहुत है अपने इंडिया में और वर्ल्ड वाइड भी इसका बहुत डिमांड है। और जो अपना कश्मीर का सैफ्रॉन है उसकी वैरायटी मोगरा वैरायटी, वो सभी सैफ्रॉन्स में टॉप लिस्ट में आता है, इसका बहुत डिमांड है फुल वर्ल्ड वाइड में। इसलिए मैंने सैफ्रॉन का ही चूज़ किया। और इसके लिए मैं बहुत टेक्नीशियन से मिला, अभी ग्रो लाइट, सनलाइट के लिए ग्रो लाइट्स का यूज़ किया हुआ है तो उसके टेक्नीशियन से मिला। फिर जो लोग हाइड्रोफॉर्मिक्स फार्मिंग कर रहे हैं, लीफी वेजिटेबल्स वगैरह, उनसे मिला, उनसे कैसे होता है उसका जानकारी लिया। फिर मेरे मेंटर भी है शैलेश सर, उनसे भी मेरे को सैफ्रॉन का आइडिया आया, थोड़ा उनसे मेरे को गाइडेंस मिला। और फिर आर्टिकल्स वगैरह, इसराइल सबसे बड़ा प्रोडक्शन है सैफ्रॉन का, इसराइल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। सो वहाँ के आर्टिकल्स, वहाँ के जो प्रोफेसर से उनके लेक्चर्स वगैरह थोड़े बहुत अटेंड किए, और फिर मुझे आइडिया आया। और पूरा टेम्परेचर्स वगैरह मेंटेन, लास्ट 5 ईयर्स का जो कश्मीर है, कश्मीर में पैम्पोर में जहाँ सैफ्रॉन का फार्मिंग होता है, वहाँ का टेम्परेचर का पूरा डाटा स्टडी किया, और फिर उस हिसाब से मैंने पूरा ये सेटअप किया। और जो टेम्परेचर मेंटेन वगैरह, ह्यूमिडिटी लेवल, और वो प्रॉपर करते गया, और मुझे अच्छा सक्सेस मिला, जितना एक्सपेक्टेड था उससे भी अच्छा सक्सेस मुझे मिला है। और ये पूरा कुछ करने में, रूम बनाने में, चिलर, पूरा लेबर कॉस्ट, रैक और सीड्स सबका मुझे अराउंड 4.5 to 5 लैक्स का अप्रोक्स खर्चा आया हुआ है। और मेरा अभी तक फर्स्ट सीजन में 250 to 300 ग्राम्स तक केसर निकल गया है। और अभी आप इसका कीमत, केसर का पर ग्राम आप 500 से 700 के बीच में लगा सकते हो, एज पर योर मार्केटिंग स्किल्स एंड द डिमांड ऑफ द सैफ्रॉन। बट डिमांड तो इसका हाई है। सो मैं अभी इसे मेरे पर्सनल पॉइंट से इसे 500 to 700 के रेंज में इसे सेल आउट कर रहा हूँ। और अगर आप ये प्लान करते हो तो आपका इसका आरओआई सेकेंड या थर्ड सीजन तक इसका आरओआई निकल जाएगा, और आपका फिर प्रॉफिट सीजन स्टार्ट हो जाएगा। और ये रूम बनाने में आपको वन टाइम का खर्चा होगा, एसी, चिलर वगैरह का, और जो रूम आप सील पैक कर रहे हो फॉर द टेम्परेचर, मेंटेनिंग द टेम्परेचर, उसका वन टाइम इन्वेस्टमेंट आता है। और जो कॉम्स होते हैं इसके, बल्ब्स, वो आपको हर साल वापस नए नए लाने होते, जैसे कि दूसरे फ्रूट्स के अपन हर बार लाते नए, वैसा नहीं होता है। एक कॉम का ही मल्टीप्लिकेशन, अभी आपका इसका फ्लावरिंग हो चुका है, अभी फ्लावरिंग के बाद ये कॉम्स मल्टीप्लिकेशन फेज में चले जाएंगे, और एक कॉम का 4 कॉम में मल्टीप्लाई होगा। अगर आप वर्स्ट केस भी पकड़ते हो तो into 2, लाइक अभी मेरे पास 200 kg कॉम्स है, तो नेक्स्ट सीजन तक मेरे पास इसके 400 kg कॉम्स आएंगे, और मैं उनका ही फ्लावरिंग वापिस से लूंगा, मुझे वापिस वो कॉम्स नहीं लाना है। और इसी सिस्टम से वो पर ईयर बढ़ते जाएगा। और एक कॉम का लाइफ सेल 7 to 8 ईयर्स तक होता है। नंदुरबार जैसे जिले में ये उत्पादन करना केसर का, ये बहुत ही जवाबदारी का और जोखिम भरा काम था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, बात तो सही है, क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है हमारे नंदुरबार जिले में, आज तक किसी ने ये ना ही सोचा होगा ना ट्राई किया है। थोड़ा रिस्क का काम तो था, बट मुझे वही न्यू टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हूँ, कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजीज वगैरह से वाकिफ हूँ। बस कुछ नया इनोवेटिव, कुछ यूनिक करना था, और उसी मोटिवेशन के साथ मैंने ये किया। अभी तक के ये इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है और इसमें आपको कितनी लागत, अभी उत्पन्न कितना आया है, क्या पता है क्या? हाँ, मेरा इन्वेस्टमेंट इसमें 4.5 से 5 लाख तक का हो गया है पूरा मिला के, और मेरा 250 से 300 ग्राम केसर अभी तक आ चुका है, थोड़ा सा और आएगा, अभी तक 250 से 300 आ गए। आप उसका अगर मैं रेट आप 500 to 600 700 मैंने वेरी करके दिया है एज पर द डिमांड, तो मेरा अभी तक इसमें से डेढ़ डेढ़ से 2 लाख तक का आ चुका है। हाँ, मैक्स 2 लाख तक का मेरा ये पहले सीजन में हो जाएगा पूरा।
नवे जो युवक है, नवा युवक जो है, तो उनके बारे में आप उनको क्या कहेंगे, उनको क्या सलाह? मैं तो वही कहना चाहूंगा कि आजकल के जो जनरेशन है उनको फार्मिंग कर रहे हैं तो उनको वो लगता नहीं है कि स्टेटस उनका मेंटेन, फार्मिंग वो छोटी चीज समझते हैं। बट अगर आप कुछ नया टेक्नोलॉजी, नया इनोवेशन से करने जाए तो वो फार्मिंग में ही बहुत हाइट तक जा सकते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सो उन्होंने स्टडी करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए। जी,